साइन एक बार साइन दिखाइए सर। साइन साइन माइक दे दो। फोन नीचे आ गया। फोन सर, क्या क्या उम्मीद करते हैं वोटिंग की? मैं तमाम मोबाइलों को शेयर कर ले सकते हैं ना। हैदराबाद से तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद पे इजहार करने का दिन है। तो मुझे आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आईन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर, आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट करने के लिए क्या मुद्दे हैं? मैंने अभी तो बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए। आपकी वोटिंग परसेंटेज सर हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर निकले? ये बहुत जरूरी है, आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझे कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकल कर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी, और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है वो कैसे होगा? जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे, नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पर चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए, आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, तो आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए, मगर आके वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं।